ला बो जरा इतर गिरा दो। ये इतर क्या होता है दोस्त? जैसे तीतर होता है मतलब बर्ड, वैसे ही तीतर का भाई इतर। लाबो जरा तीतर उड़ा दो। पार्टनर, संडे को सुबह सुबह बीच पे आने में कितना मजा आता है ना। लाबो जरा इतर गिरा दो। वो देख, अरे ये तो कितनी बड़ी फिश है। ये तो जिंदा है। पार्टनर, इसकी तो पूंछ पे चोट लगी है। ये डर रही है बद्री। तुझे कैसे पता? तूने वो गाना नहीं सुना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और ये तो पानी से बाहर है, मर जाएगी। पर ये तो खुद बाहर आ गई। हाँ यार, तो हो सकता है ये पानी इसे पसंद ना हो, तो इसे अपनी वाली लेक के पानी में ले चले, शायद वो पसंद आ जाए। वो लेक का पानी ना बहुत मीठा है, इसे जरूर पसंद आएगा, और हम इसके साथ रोज खेल भी सकेंगे। चल फिर। इसको हम बुलाएंगे क्या? मछली। पर यहाँ तो और भी मछलियाँ हैं। अगर हम मछली करके पुकारेंगे तो सब आ जाएंगी। हाँ यार, फिर इसे हम बुलाएंगे गुलाबो। गुलाबो अच्छा है। लल्ला टॉप। गुलाबो। ओ गुलाबो। बद्री, बताओ इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? गुलाबो। क्या कहा बोले, जरा फिर से बोलो तो। मतलब गुलाब सर। अरे गुलाब नहीं, कमल होता है। छोड़ो ज्ञान, इनको बताकर कोई फायदा नहीं है। हाँ तो इंडिया गुलाबो क्या कर रही होगी? नहा रही होगी। अरे वो तो पानी में ही रहती है, मतलब हमेशा नहाती होगी ना। ओ, तो खाना खा रही होगी। खाना कैसे खाएगी, हमने तो उसे खाने को कुछ दिया ही नहीं। अरे बद्री, तुझे अपना नेशनल फ्लावर नहीं पता? लोटस है लोटस, और गुलाब होता है गुलाबो नहीं। गुलाबो होता है क्योंकि हमने उसे ये नाम दिया है। किसे? गुलाब के फूल को? फूल नहीं, मछली। यू फूल। मैं समझा नहीं, कहाँ है वो मछली? मुझे उसके पास ले चलो। गुलाबो जरा शक्ल दिखा दो। ये रे गुलाबो, हमारी मछली। अरे ये तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन? ज्ञान, हम इतने भी बुद्धू नहीं है, हमें नजर आता है कि ये डॉल नहीं मछली है। डॉल नहीं बुद्धू, डॉल्फिन। ये एक टाइप की व्हेल है और सबसे इंटेलिजेंट मैमल मानी जाती है। इंटेलिजेंट, हमारी तरह। डॉल्फिन्स बहुत प्लेफुल होती है, ये हवा में लंबी जंप कर सकती है। पर ये तो जंप नहीं कर रही, क्योंकि ये बेबी डॉल्फिन है। इसकी पूंछ में ना कल चोट लगी थी, मैंने अपना रुमाल बांध दिया। रुमाल इस चोट की वजह से शायद ये कूद नहीं पा रही। ये क्या कर रहा है ज्ञान?
गुलाब के फूल की पंखुड़ी चोट को ठीक कर देती है। मतलब गुलाब से गुलाबो ठीक हो जाएगी? मुझे भूख लगी होगी ना, ये ले सैंडविच। अब हम तीनों का एक और दोस्त बन गया है, इसे अब हम रोज मिलने आएंगे। वाओ पार्टनर, ये तो काफी बड़ी हो गई है। हाँ, तुझसे भी ज्यादा। कितनी प्यारी डॉल्फिन है। वो प्यारी डॉल्फिन हमारी डॉल्फिन है। वो हमारी पेट है, उसका नाम गुलाबो है। मुझे गुलाबो थी मिलना है। और मुझे भी। ये पूरा क्लास का ही खाली है, हम संडे को तो स्कूल नहीं आ गए। अरे दुबे, आज स्कूल में इतनी शांति क्यों है भाई? हैं? ना बच्चे दिख रहे हैं, ना कोई शोर। सर, इसी बात पे तो हम भी कंफ्यूज आ गया हूँ, आज 26 जनवरी तो नहीं है। सर, सब बच्चा लोग स्कूल से भाग गया, आगे आगे बद्री और बुध और पीछे पूरा क्लास। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर सब निकल गए। क्या स्कूल में अनुशासन हो गया खत्म? अरे भाई प्रिंसिपल है हम। ये बद्री और बुध का बदमाशी है सर, फिर कोई नया उधम मचा रहा है ये दोनों। कहाँ है डॉल्फिन? हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारी गुलाबो? गुलाबो जरा शक्ल दिखा दो। लगता है बद्री और बुध ने फिरते बुद्धू बनाया है। गुलाबो पानी में खड़ी हो जा। अब सब बच्चों पे पानी डालो। स्कूल छोड़कर किधर भागे थे तुम लोग कल? हैं? बताओ, प्रिंसिपल है हम। सर, ये दोनों बदमाशों से पूछिए, सब बच्चों को फुसलाने में इनका ही हाथ है। थलिन दोनों ने एक डॉल्फिन पाल रखी है लेक में, हम तब उठी को देखने गए थे। हैं? अरे ये सच है के? डॉल्फिन बाली बात सच है क्या? बद्री और बुद्ध बोलो। Yes, sir. भाई डॉल्फिन तो हमें भी घनी पसंद है, हमें भी मिलवा दो, उससे डॉल्फिन डॉल्फिन खेलेंगे। तुम दोनों ने मुझे बचपन की याद दिला दी। मेरे पास एक भैंस थी गुलाबो। इमोशनल कर दिया मुझे तुमने। सर, अब हम इसके साथ रोज खेलने आ सकते हैं? बच्चों, ये इसका घर नहीं है, इसको बड़ा समंदर चाहिए रहने के लिए। पर सर, सी से तो हम इसे लाए थे, ये सी में रहना नहीं चाहती। वो तो इसे चोट लगी थी इसलिए, और अब ये काफी बड़ी हो चुकी है, इसे हमें वापस समंदर में छोड़ना पड़ेगा। निराश ना हो छोरो, डॉल्फिन अपने दोस्तों को हमेशा पहचानती है। तुम जब पुकारोगे ये तुमसे मिलने आ जाएगी। ललंका गुलाब जरा पूछ हिला दो।